नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश में महामारी की रफ्तार से ठप पड़े व्यापार की, राहुल गांधी की जनता से अपील की, जानेंगे कि दिल्ली की सत्ता में मोदी सरकार ने कैसे मारी एंट्री और रूस कैसे लगाएगा अमेरिका पर पाबंदी, और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी में नेताओं के भरे खजाने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र पर तल्ख टिप्पणी, कहा हमने आपको मौका दिया पर आपके नतीजे संतुष्ट करने वाले नहीं। पीएम मोदी का नया निर्देश, पीएम केयर्स फंड से खरीदे जाएंगे 1,00,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इससे जिला मुख्यालयों और टीयर 2 शहरों में ऑक्सीजन की पहुंच में होगा सुधार। आरोग्य सेतु दोबारा से हुई शुरू, वैक्सीन के लिए 18 साल से ज्यादा के लोग अब कर सकते हैं रजिस्टर, 4 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आरोग्य सेतु का हुआ था सर्वर फेल। भारत में बड़े संक्रमण के मामले, तो प्राइवेट जेट से देश छोड़ निकले अमीर, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले यहाँ हालत खराब। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 789 अंकों की बढ़त के साथ 49,733 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी 211 अंकों की बढ़त के साथ 14,864 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की बड़ी खबर की। भारत में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसी घड़ी में ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए सामने आए हैं, लेकिन वहीं भारत की स्थिति को देखते हुए पूरी दुनिया टेंशन में भी आ गई है। तो कैसे भारत के हालात पर दुनिया पर पड़ रहा है असर, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी ने भारत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो आज से पहले कभी नहीं आया। हालांकि महामारी का सामना उसने पिछले साल भी किया था, लेकिन स्थिति इस कदर नहीं बिगड़ी थी। इन हालात को देखकर पूरा देश हैरान है। इसी के साथ कई दूसरे देश भी भारत की परिस्थिति से परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि उसका असर व्यापार पर पड़ रहा है। दरअसल भारत पे महामारी का असर ईंधन की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतों में $1 की गिरावट देखने को मिली, जबकि ईंधन निर्यातकों को डर है कि महामारी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत में ईंधन की मांग को कम कर देगी। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि तेल निर्यातक देशों की समूह ओपेक प्लस की तरफ से सप्लाई बढ़ाने से भी दाम में गिरावट आने वाली है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा बाजार की नज़र भारत और जापान की बुरी खबरों पर अधिक है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत में महामारी के चलते तेल की मांग में कमी आ रही है। भारत में अप्रैल में पेट्रोल की कीमत में प्रतिदिन 1,00,000 बैरल की कमी आने की उम्मीद है। वहीं मई में ये घटकर 1,70,000 बैरल से अधिक हो सकती है। यानी साफ है कि महामारी की वजह से देश में मांग घटती जा रही है, जिससे निर्यातक टेंशन में है। भारत में महामारी की वजह से अब कई देश टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि बढ़ती रफ्तार से व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता से एक दूसरे की मदद करने की अपील के साथ सरकार को आईना भी दिखाया। देश में कोरोना का प्रचंड रूप जारी है। बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो गई है, तो वहीं कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है। इस बीच चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के मोदी सरकार के खिलाफ तेवरों में आक्रामकता देखी जा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए मोर्चा खोलते हुए इसे अंधा सिस्टम करार दिया। उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट पर लिखा, एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं, मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इससे पहले भी राहुल गांधी कोविड के हालात को लेकर मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालात में सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम जारी करने पर भी सवाल उठाए थे। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,60,960 नए केस सामने आए हैं। नए केस के बाद देश में कुल संक्रमितों की कुल संख्या 1,79,97,267 हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3,293 लोगों ने दम तोड़ा। इसके बाद मौत का आंकड़ा 2,01,187 पहुंच गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि 24 घंटे के अंदर 3,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में अब एक्टिव केस 29,78,709 हैं, जबकि 1,48,17,371 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वहीं देश में अब तक 14,78,27,367 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि बीते 24 घंटे में 25,56,182 लोगों को कोरोना का टीका लगा।
विपक्ष लगातार मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा है, हकीकत से रूबरू करवा रहा है, लेकिन सरकार है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। उसका ध्यान तो बंगाल चुनाव पर है, जहां अब कल अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। 35 विधानसभा क्षेत्रों में 8वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव कराने की मांग होती रही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। कई पार्टियों ने महामारी का हवाला दिया, लेकिन आयोग ने सबको खारिज किया। अब इन हालात पे कल बंगाल में 8वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा। 35 विधानसभा क्षेत्रों में 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मालदा में 6, मुर्शिदाबाद में 11, कोलकाता उत्तरी में 7, वीरभूमि में 11 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 84,77,728 मतदाता हैं। इस चरण में तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी ने 11-11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर और AIFB 2 सीटों पर और RSP 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मुकाबले में 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। सभी दिग्गजों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए जहां ममता बनर्जी ने अपनी पूरा जोर लगाया, वहीं बंगाल की भूमि में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता मशक्कत करते नजर आए, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन राज्य में अपना सियासी वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष करता दिखा। बंगाल में इस वक्त चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 44 दिनों तक व्हीलचेयर पर रैली करती नजर आ रही थीं। वहीं बीजेपी की पहली पंक्ति के नेता बंगाल में डेरा जमाए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में करीब 20 जनसभाएं की, तो वहीं अमित शाह ने करीब 70 रैलियां की। ममता बनर्जी ने TMC प्रत्याशियों के समर्थन में 150 जनसभाओं को संबोधित किया। अब दिग्गजों ने तो अपना दम दिखा दिया, लेकिन अब बारी जनता की है। ऐसे में देख रहा होगा कि जनता किसे सर आंखों पर बैठाती है। DB लाइव की रिपोर्ट। देश इस वक्त काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस घड़ी में भी मोदी सरकार को केवल सत्ता की पड़ी है। जहां एक तरफ उसका ध्यान बंगाल पर है, तो वहीं दिल्ली पर भी वो टकटकी लगाए बैठी थी। इसीलिए तो उसने दिल्ली की सत्ता पर बैकडोर से एंट्री कर ली है। जी हां, जिस बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मचा, अब उसी बिल को लेकर मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। करीब 2 दशक से भी ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन बीजेपी दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई है। हर विधानसभा चुनाव में कमल कमजोर साबित हुआ है। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में जीत का डंका बजाती हो, लेकिन राजधानी की सत्ता में वो कभी राज नहीं कर पाई है। इसीलिए मोदी सरकार अब बैकडोर से दिल्ली की सत्ता में दाखिल हो गई है। दिल्ली में बिगड़ती स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। दरअसल बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को ये राज्यसभा से कानून पास हुआ था। कानून में कहा गया है कि दिल्ली NCT के रोजमर्रा के प्रशासन से संबंधित मामलों पर विचार करने और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी जांच के लिए विधानसभा न तो खुद को सशक्त करने का कोई नियम बना सकती है और न ही किसी कमेटी को नियम बनाने का अधिकार दे सकती है। एक्ट में LG से कहा गया कि वो विधानसभा द्वारा पारित कुछ बिल्स को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर लेगा। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित बिल या विधानसभा या दिल्ली NCT के आधिकारिक भाषा से संबंधित बिल उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। इसी बिल को लेकर आपने कड़ा विरोध जताया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। मोदी सरकार ने तो उपराज्यपाल का चेहरा आगे करके खुद के हाथ में दिल्ली की सत्ता ले ली। केंद्र के इस कदम से साफ है कि चुनाव में जीत कर सत्ता में आई पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। अब सब दिल्ली की कमान मोदी सरकार के हाथ है। मोदी सरकार सत्ता में इस कदर मग्न हो चुकी है कि उसने बिना चुनाव भी दिल्ली में राज करने का रास्ता ढूंढ निकाला, लेकिन उसने किसानों की राह को आसान बनाने का तरीका अब तक नहीं ढूंढा है। इसीलिए किसान आंदोलन हर दिन के साथ सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। महामारी के बहाने किसानों को हटाने का पैंतरा भी नहीं चल पाया, तो वहीं अब बीजेपी के नेता मंत्री किसानों से हटने की अपील कर रहे हैं। किसान आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ती नहीं दिख रही है। एक तरफ महामारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद है। किसानों ने आंदोलन का दायरा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। महापंचायतों के जरिए देश भर में घूम घूम कर किसानों को लामबंद किया और लगातार दबाव सरकार पर बढ़ाया। शुरुआत में सरकार दबाव में भी दिखाई दी, लेकिन लाल किले की घटना के बाद से सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद हो गई। हालांकि सरकार बातचीत करने की बात तो करती है, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव किसानों को नहीं दिया जा रहा। इस बीच दिल्ली का मौसम भी बदला, तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए किसानों ने धरना स्थल पर पक्के निर्माण के साथ साथ बिजली के लिए सोलर प्लांट तक की व्यवस्था की। इस बीच महामारी का हवाला देकर सरकार ने कई बार किसानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन किसानों के हौसलों के आगे सरकार की एक न चली।
पंजाब के बरनाला में किसानों का आंदोलन 210वें दिन भी जारी है। टोल प्लाजा महाकला और टोल प्लाजा बडबर पे किसानों का धरना जारी है। वहीं लुधियाना बरनाला मुख्य मार्ग पर बदलवड और संघेड़ा के बीच में पेट्रोल पंप पर किसानों का धरना जारी है। हरियाणा के सोनीपत, खरकौदा, माहम, पानीपत, मेवात जिलों में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन अब भी जारी रखा हुआ है। वहीं किसान दिल्ली की सीमाओं पर भागीदारी को बढ़ाने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसानों ने इस बात का ऐलान भी किया है कि अब युवा किसानों के जमावड़े को बढ़ाया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों ने आंदोलन वापस लेने की किसानों से अपील जरूर की, लेकिन किसान अपने हक में निर्णय होने तक जाने के लिए राजी नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि वो हर तरह से नियमों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन धरना खत्म नहीं होगा जब तक मांगे नहीं मानी जाती। मोदी सरकार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो उसके दुश्मन हो, तभी तो अन्नदाता भी आंख दिखा रहे हैं। वैसे दुश्मन तो इस वक्त अमेरिका, यूरोप भी रूस को मान बैठे हैं, इसीलिए रूस जल्दी ही ऐसी लिस्ट जारी करने जा रहा है जिसमें दोस्त और दुश्मनों के नाम होंगे। ऐसे में सवाल ये कि भारत को पुतिन किस लिस्ट में जगह देंगे। रूस बहुत जल्दी ये बात सार्वजनिक करेगा कि दुनिया में कौन सा देश उसके साथ है और कौन उनके खिलाफ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है कि हम बहुत जल्दी इस तरह की लिस्ट सामने ला रहे हैं जिसमें दोस्त और दुश्मनों की पहचान की जाएगी। दोस्त देशों के लिए पहले से मानदंड तय कर लिए गए हैं। पुतिन के तेवरों से साफ है कि रूस अमेरिका और यूरोप के साथ चल रहे तनाव के बीच झुकने को तैयार नहीं है, उल्टा वो पूरी ताकत के साथ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास साफ निर्देश हैं, हम दोस्त और दुश्मनों की पहचान कर रहे हैं। इस कार्य में जो मापदंड हैं वे साफ हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो देश रूस के मित्र नहीं हैं, उनके राजनयिक मिशनों में काम करने वाले रूसियों की संख्या भी कम की जाएगी। पिछले एक महीने से अमेरिका और यूरोपीय देशों के रूस से संबंध तेजी से खराब हुए हैं। अमेरिका, स्वीडन, रोमानिया, चेक रिपब्लिक और इटली ने रूसी राजनयिकों को अपने देश से निकाला है, जिसके जवाब में रूस ने भी इन देशों के राजनयिकों को अपने देश से निकालने का ऐलान किया। रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत के अमेरिका से रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। ऐसे में पुतिन भारत को किस सूची में जगह देंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। वैसे इस साल के अंत में पुतिन का भारत का दौरा प्रस्तावित है। भारत इस समय महामारी से लड़ रहा है और इसमें सबसे पहले रूस की ओर से मदद का प्रस्ताव भेजा गया था। ऐसे में भारत को दुश्मन देशों की सूची में तो रूस शामिल नहीं करेगा, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर जरूर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी में नेताओं के भरे खजाने की। देश में एक तरफ महामारी से हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ देश को महामारी से उबारने के जिम्मेदार राजनेता चुनावों में व्यस्त हैं। हद तो तब हुई जब देश की जनता ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर इन राजनीतिक दलों को चुनावों में उपयोग करने के लिए खूब चंदा दिया। ये खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। तो स्वास्थ्य मुसीबत के बीच चुनावों में बहाने के लिए जनता ने कितना दिया पैसा, आइए देखते हैं इस खबर में। पिछले एक साल से देश में महामारी ने अपना घर बना रखा है। इस बीच देश में पूर्णबंदी हुई, लोगों के कामकाज ठप पड़ गए, लोग जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन नेताओं को पड़ी थी चुनावों की। पिछले साल ही देश में जब महामारी ने दस्तक दी थी तभी एक फंड की शुरुआत की गई थी जिसका नाम रखा गया था पीएम केयर्स फंड। इस फंड से देश को महामारी से निजात दिलाने में कितने रुपए इकट्ठा हुए और कितने खर्च हुए, इसका लेखा जोखा तो आज तक सामने नहीं आया, लेकिन इस दौरान राजनीतिक दलों को खूब चंदे मिले हैं। इसकी जानकारी एक आरटीआई के जरिए निकल कर आई है। दरअसल नौसेना के एक सेवानिवृत्त उच्च पदाधिकारी लोकेश के बत्रा द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा गया है कि बैंक ने इस साल 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 16वीं फेज में बॉन्ड बेचे थे। कुल बिक्री में से 671 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के बॉन्ड से, 23 करोड़ 70 लाख 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के और 64 लाख रुपए 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य के बॉन्ड से प्राप्त किए गए हैं। बताते चलें कि केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभाओं के लिए चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है। SBI ने 1 जनवरी से 10 जनवरी 2021 तक बिक्री के 15वें चरण में 42 करोड़ 10 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे थे। SBI ने द इंडियन एक्सप्रेस को पिछले RTI के जवाब में कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर में 282 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए थे। मुख्य रूप से कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपतियों को दानदाताओं ने 2018 में 1056 करोड़ 73 लाख रुपए, 2019 में 5071 करोड़ 99 लाख रुपए और 2020 में 363 करोड़ 96 लाख रुपए दिए गए थे। चुनावी बॉन्ड के जरिए कुल दान 7230 करोड़ रुपए को छू गया है। कुल मिलाकर SBI का कहना है कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव में राजनीतिक दलों को दान के रूप में 695 करोड़ 34 लाख रुपए मिले हैं।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठन द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।